यार दोस्तों कैसे हो। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो यार दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने छोटे भाई के चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार एक बार सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि जैसे कोई भी नई वीडियो आए उसका सबसे पहला अपडेट आप सभी लोगों को आ जाए। और साथ में इस वीडियो के एक लाइक भी यहाँ पर कर देना। तो यार दोस्तों, जैसे कि आपने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि हमने एक फीमेल बाबा के साथ यहाँ पर मीटिंग की थी, एंड उसके साथ साथ हमने उसके साथ ये डील कर ली थी कि हम दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर बिजनेस ग्रो करेंगे। लेकिन फिलहाल उसने हमें एक काम दे दिया है, जो कि काम है कि जो एक उसकी फ्रेंड थी जो कि उसके पैसों के अंदर मतलब और उसके बिजनेस के अंदर उसको मदद करती थी, तो उसको जो है कुछ किडनैपर्स ने, कुछ गुंडों ने वहाँ पर किडनैप कर लिया और किसी घर के अंदर उसे बंदी बनाकर रखा है। तो हमें जाकर उसको बस वहाँ से छुड़ा कर रहना है। बेसिकली उसने जो कुछ ऐसे एडजस्टमेंट की कि उस गुंडों से वही मिल सकता है जिनके पास जो आईडी कार्ड का एक्सेस हो, तो उसने डुप्लीकेट आईडी कार्ड हमारा बनवा दिया है और अब हम जाकर उन गुंडों से मिल लेंगे। मिलने के बाद हम उसको उनके ऊपर सीधा वहाँ पर फायरिंग करने वाले हैं, उसको छुड़ा कर लाने वाले। लेकिन फिलहाल हम जो है अकेले ही जाने वाले, क्योंकि बॉडीगार्ड्स को हम यहाँ पर साथ में नहीं लेकर जा सकते। तो हम फिलहाल यहाँ से अकेले में यहाँ पर निकल लेते हैं हमारी बाइक के ऊपर बैठ के, एंड जाकर उसको सीधा छुड़ा कर लाएंगे। तब तक हमारे बॉडीगार्ड हमारे घर तक घर पर यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि भाई माइकल के अंदर इतनी पावर है कि वो अकेला बंदा जो है पूरे के पूरे गैंग के साथ यहाँ पर लड़ सकता है। तो अभी हम जाके उसको सबसे पहले छुड़ा कर लाएंगे। और हाँ दोस्तों, उसने जो आईडी कार्ड दिया है वो सिर्फ वन टाइम यूज़ होता है, मतलब वो जो गुंडे हैं वो आईडी कार्ड दिखाकर हम अंदर जाकर आ सकते हैं। तो बेसिकली हम गुंडों से ये कहेंगे कि हमें भाई तुम्हारे ये बॉस ने भेजा है, एंड तुम्हारे बॉस ने हमें चेक करने के लिए भेजा है कि जिस लड़के को तुमने किडनैप किया है उसको तुमने सही से रखा है या फिर नहीं। ऐसा कुछ कहकर झूठ मूठ बोलकर हम अंदर घुस जाएंगे, एंड अंदर घुसने के बाद सीधा फायर वायर कर उसको छुड़ा कर हम लेकर आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हम उसको जुड़ा पाते हैं या फिर नहीं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार एक बार लाइक के बटन के ऊपर ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि इस वीडियो को एक लाइक बन जाए। तो दोस्तों यार, अभी बस थोड़ा ही दूर हमें यहाँ पर जाना है, एंड जाकर हम सीधा उसको छुड़ा लेंगे। देखो दोस्तों, ये दोनों जो मतलब फ्रेंड्स हैं, मतलब ये दोनों जो लड़कियाँ थी, ये दोनों बचपन से फ्रेंड्स थे, और इन्होंने अब तक काफ़ी अच्छा अच्छा ग्रोथ भी इनके बिजनेस के अंदर कर रही है। क्योंकि ये जो लड़की है जिसको हम छुड़ाने जा रहे हैं, इसके पास बहुत सारा पैसा है, और ये मतलब एक प्रिंसेस की तरह रहती है, तो इसके पास बहुत सारा पैसा है। और ये जो उस पैसों से जो है उस फीमेल माफिया को जो है वहाँ पर मदद करती थी, तो इसीलिए जो बाकी के गैंगस्टर लोग हैं वो तो उस माफिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया है, इसी को ही यहाँ पर किडनैप कर लिया है, ताकि जो है जो फीमेल माफिया है उसको यहाँ पर कुछ पैसा ना मिल पाए और उसकी जो डेवलपमेंट है ना बिजनेस के अंदर वो ना कर पाए। इसी की वजह से इन्होंने जो है इसे किडनैप कर लिया है। तो बस हमें इसी को छुड़ा कर यहाँ पर लेकर जाना है। तो बस अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, एंड शायद कौन सा घर है, सामने वाला घर है। आप बॉडीगार्ड हाँ देखो, आप देख दो यहाँ पर कुछ गुंडे खड़े, तो मैं सिंपल से बाइक को यहाँ पर लगा देता हूँ, एंड थोड़ा इस साइड में लगा देते हैं, ठीक है, थोड़ा आके लेके लगा देते, ठीक है चलो यहाँ पर लगा देते। एंड अभी हम निकलते सीधा, उनको बोले कि भाई हमारे पास आईडी कार्ड है और हमारे पास तुम्हारा एक्सेस भी है अंदर जाने का, हमें बेसिकली तुम्हारे बॉस ने भेजा, हम कुछ ऐसा करा झुठमुठ बोल कर आईडी कार्ड दिखाकर जो डुप्लीकेट है अंदर घुस जाएंगे हम, ठीक है। देखते अभी अंदर जाने देते कि नहीं, फिलहाल हम इनसे बात कर लेते। तो भाई सुनो, तुम्हारे बॉस ने हमें भेजा है अंदर जाने के लिए, जो लड़की तुमने अंदर लगे ना उसको हमें चेक करने का है, तो इन्होंने हमें एक्सेस दे दिया है, तो अब हम अंदर जा सकते हैं। अभी पूरे बंदे देख लो कौन कौन कहाँ कहाँ पर खड़ा है, लड़कियाँ भी खड़ी है, कोई इशू नहीं है, एकदम आराम आराम से देख लो सब लोग कौन कौन कहाँ कहाँ पर। और अरे हाँ, यहाँ पर रखा है कुछ, अच्छा ठीक है चलो अभी बाहर आते हैं, पूरे के पूरे इनकी दादागिरी बाहर निकाल दूँगा मैं, रुको अभी मुझे से बाहर जाने दो, बताता हूँ सबको, चलो समझ में आ गया ना। अभी मैं शॉटगन ले लेता हूँ और सीधा हम फायर करने वाले हैं, अभी बिल्कुल भी यहाँ पर रुकने की कोशिश हम नहीं करने वाले। ये हमने शॉटगन हाथ में उठा लिया, एंड अभी तो ये ले वाइट शर्ट वाली, ये ले तो पहले, अभी हम सीधा अंदर घुस चुके हैं, यहाँ पर सभी को मारना है, तू भी ले ले गोली खा भाई। अरे इन्होंने कुछ डाल दिया यहाँ पर, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, चिपक गया नीचे, थोड़ा सा साइड में आना पड़ेगा, तू भी ले ले ये ले, सबको यहाँ पर टपकाना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं भाई, मार ले आर्मर है भाई, आर्मर को कुछ नहीं होता है, इसको भी टपकाना पड़ेगा पहले तो, रुको एक मिनट,
ये देख, और कौन बचा है? कोई तो बचा था, और कोई नहीं है। अरे ये कौन, ये यहाँ पर रखे सालो, छोड़ो अभी। अरे भागो मत, तू, तुम्हें बचाने के लिए हमें भेजा है, रिटर्न आ जाओ। ठीक है, ये आ गए, आप देख दो, इसको हमने सक्सेसफुली यहाँ से बचा लिया है, तो अभी हमें जो है फ़िलहाल जो है इसको अपने घर घर तक लेकर जाना पड़ेगा, सेफ हाउस तक लेकर जाना पड़ेगा, ताकि एकदम यहाँ से जो सेफ रहे। और अभी सभी यहाँ के जितने भी गुंडे लोग थे, जितने भी गैंग के मेंबर थे, इनको सबको हमने टपका दिया है। और यार आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने क्यूट है दिखने में, और इसीलिए यार इन लोगों ने इसको किडनैप कर रखा था। इसके मतलब आप देख ही सकते हो कितनी क्यूट यहाँ पर ये लग रही है। तो चलो बेसिकली हमें इसको ना सेफ हाउस में लेकर जाना पड़ेगा, एंड वहाँ पर जाकर इसके मतलब मुँह के ऊपर थोड़ा ब्लड और गिरा है क्योंकि हमने वहाँ पर वायरिंग की थी, तो वहाँ पर जाकर थोड़ा सा नहा लेंगे, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, देन इसके घर पे वापस चले जाएंगे। लेकिन तब तक हमें जो है हमारे घर पे इसको रखना पड़ेगा, तो एकदम आराम से हम इसको अभी लेकर जाते हैं यहाँ से। सक्सेसफुली दोस्तों हमने जो है इसको यहाँ से बचा लिया है, अभी हम सीधा चलने वाले अपने घर की तरफ। एंड जो इसके फ्रेंड है उसको हमने यहाँ पर कॉल कर बता देंगे कि हमने तुम्हारे फ्रेंड को जो है यहाँ पर सक्सेसफुली उन गुंडों से बचा लिया है, और अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अब जो है ये माइकल के हाउस के अंदर सेफ रहने वाले हैं। क्योंकि माइकल के हाउस के अंदर जो है दोस्तों आपको पता है ये पूरे के पूरे बॉडीगार्ड की सिक्योरिटी है वहाँ पर लगी, तो वहाँ पर आपको कोई मतलब इसे कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है। तो बस हम अभी पहुँचने वाले माइकल के घर के पास, थोड़ा दूर हमें और जाना है। और यार आप देख सकते हो ये लड़के कितने क्यूट है यार दोस्तों, और इसीलिए जो है उन गुंडों ने इसको किडनैप करके रखा था। आपने देखा था कैसे इसको बंधक बना कर रखा था, लेकिन कोई नहीं, अभी फ़िलहाल हमने इसको छुड़ा कर लाया है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं बनती। तो बस यार दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं अभी हमारे घर के पास, एंड यहाँ से हम लेते हैं अंडर एंट्री, एंड सीधा जो है हम यहाँ पर इसको बेडरूम दिखा देते ताकि ये जो है कुछ देर तक यहाँ पर रेस्ट कर पाए। तो हम सीधा यहाँ पर अंदर हमारी गाड़ी को लगा लेते हैं, एंड चलो अभी उतर जाओ नीचे अंदर चलो। तो हाँ ठीक है, आ रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार, अपना ही घर समझो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो हम इसको अभी अंदर लेकर जाते हैं बेडरूम की तरफ, एंड इसको बोल देते कि भाई तुम्हें अगर शॉवर वावर लेना है तो तुम ले सकते हो, एंड अगर तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट भी करना है तो तुम वहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हो। क्योंकि ये अभी जो है जब तक हम इसको इसके फ्रेंड के पास नहीं सौंप देते, तो इसकी पूरी सिक्योरिटी और इसकी पूरी इसका पूरा ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो फिलहाल इसको हमने बता दिया, तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, अभी ये शावर भी ले लेंगी और साथ ही साथ ये जो है रेस्ट भी कर लेंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार एक बार सब्सक्राइब कर देना, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। और माइकल काफ़ी खुश नज़र आ रहा है, देखेंगे क्या होता है आगे। ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।